तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गैस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में। तो बाइक जो है पूरी रिवील कर दी गई है KTM के द्वारा, और इसके फीचर्स वगैरह भी रिवील कर दिए गए हैं, प्राइसिंग वगैरह भी रिवील कर दी गई है। तो बात करते हैं इसके स्टार्टिंग के, फ्रंट की डिज़ाइनिंग की। तो फ्रंट का डिज़ाइनिंग टोटली चेंज कर दिया गया है, नए डिज़ाइन के हेडलैम्प इस बाइक में दे दिए गए हैं। साइड में जो वाइजर है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, और एक टोटली न्यू लुक दे दिया गया बाइक को। जैसी KTM की सुपर ड्यूक आती थी 790 वगैरह, उस जैसा ही डिज़ाइन ओवरऑल बाइक को दे दिया गया है। बाकी आप लोग को इसका TFT नया मीटर दिया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स प्रो मिल जाते हैं। कंट्रोल्स वगैरह को भी चेंज कर दिया गया है, और इसके इग्निशन वगैरह को भी चेंज कर दिया गया है। और नए डिज़ाइन के इसमें आप लोगों को साइड व्यू मिरर दे दिए गए हैं। फ्रंट में जो है एलेवल को चेंज कर दिया गया है। इसके डिस्क का जो डिज़ाइनिंग है उसको भी चेंज कर दिया गया, जो अभी RC390 आती है उसमें नए डिज़ाइन के एलेवल यूज़ करते हैं। इसका कि वेट कम कर दिया गया, और डिस्क का साइज़ भी कम कर दिया गया है, मतलब वेट कम कर दिया गया, ताकि ओवरऑल जो बाइक की वेट है वो कम हो जाए और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। तो इसका जो इंजन है उसको भी थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया। पहले जो इंजन आता था वो आता था 373 cc का, अब इसको अपग्रेड कर दिया गया, 399 cc का इंजन कर दिया गया, जो कि टॉर्क सेम है। बाकी BHP हमें 1 BHP ज़्यादा कुछ बाइक में देखने को मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स तो इस बाइक में बहुत ज़्यादा एड ऑन कर दिए गए, साइड का वाइजर वगैरह भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग को जो आप लोग को शिफ्टर्स वगैरह तो फीचर्स वो अभी मिल ही रहते हैं, बाकी सब मिलेगा। क्रूज़ कंट्रोल का है कि क्रूज़ कंट्रोल इसमें ऐड ऑन होने वाला है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली RR310 भी लॉन्च हुई है उसमें क्रूज़ कंट्रोल और बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। तो KTM भी इससे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे फीचर्स अभी इस बाइक में ऐड ऑन करने का ट्राई करेगा। पीछे का लुक, जो पीछे का टेल लैंप वाला डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया गया। सीटिंग जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं वाला कर दी गई है। साइड में आप लोग को जो है सिंगल शॉकर देखने को मिल जाते हैं, WP के मोनो सस्पेंशन। बाकी इसमें जो साइलेंसर है, साइलेंसर पहले एक मफलर हुआ करता था, फिर पीछे में एग्जॉस्ट हुआ करता था, उसको जोड़ के अब इसमें अंडर बेली दे दिया गया। बाकी डिज़ाइनिंग ओवरऑल जो है बहुत तगड़ी लग रही है देखने में। बाइक प्राइसिंग जो है इसकी है 3,10,000, एक शोरूम प्राइस अभी रिवील कर दिया गया है KTM 390 का। और इस बाइक को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद तो अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई होने लगा, क्योंकि गाइस रिसेंटली जो अभी RTR की 310 लॉन्च हुई है उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर दे रखे हैं, और ड्यूक से जो उसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है, मतलब 40,000 तो कम से कम होने वाली है कम, तो प्राइस भी मैटर करता है। बाकी लुक वगैरह बाइक परचेज़ करना वो तो पर्सनल चॉइस होती है कि कौन कौन सी बाइक परचेज़ करेगा। तो गाइस जैसे ही फिर बाइक लॉन्च होगी तो फिर हम इसका फुल डिटेल लुक भी बनाएंगे, कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे इसमें सेगमेंट की बाइक के साथ में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।